हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक रिएक्शन की वीडियो है, लेकिन काफ़ी डिफरेंट किस्म की रिएक्शन की वीडियो, एक तरह से जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो ये उस सीरीज की वीडियो, यानी कि नया पाकिस्तान तब्दीली आ गई है और पार्ट 3 है ये। और आपको बाकी के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से बाकी के पार्ट देख सकते हैं कि क्या किस हवाले से होती हैं और क्या क्या होता है इन वीडियो के अंदर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। बाकी जो लिंक आपको आराम से मिल जाएंगे, आप 1, 2, 3 करके पार्ट देख सकते हैं कि उसमें हम क्या दिखाते हैं, क्या होता है। और बस यही कहूँगा कि नया पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, मुझे लोग वीडियोज़ भेजते रहते हैं, तो उनमें से मैं सिलेक्ट करके जो बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए और उस पर रिएक्शन देना चाहिए और उस हवाले से बात करनी चाहिए, तो मैं वही वीडियो देखकर और उस पर आप कहने वीडियो अपनी रिकॉर्ड करता हूँ और बनाता हूँ। बनिस्बत वीडियो तो मुझे बेतहाशा लोग सेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इस पर बात करें, कुछ बनाएं वीडियो और दिखाएं, लेकिन मैं जो बहुत सिलेक्टिव, मुझे लगता है कि वाकई में ये दिखानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि नए पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। तो बस अभी हम चले टाइम को नया वेस्ट करते हुए, इस वीडियो को मैं प्ले करूंगा और देखूंगा कि नए पाकिस्तान में और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या तोड़फोड़ हो रही है और क्या क्या, मतलब आप कह लें किन किन के घर छिन रहे हैं और किन किन की बेरोज़गार किया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर नए हुकूमत जो आई है, यानी कि तब्दीली आई है नए पाकिस्तान के अंदर, तो वो सिर्फ तोड़फोड़ ही कर रही है। और वाकई में इस बात में सच बात है, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि पिछली जो हुकूमत गई थी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जो कि सबको पता है बात, और वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ किस्म की वो गवर्नमेंट थी। लेकिन अब जो आई है सिर्फ तोड़फोड़ कर रही है, लोगों को बेरोज़गार कर रही है, लोगों के रोज़गार छीन रही है, और एक तरह से आप कह लें लोग रोडों पर आ गए, लोगों के घर तोड़ दिए गए, खासकर के रांची के अंदर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है आबादी और रकबे के लिहाज से, और जिसमें एक तरह से आप कह लें हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये मुझे जो वीडियो सेंड की एक बंदे ने, तो उसी हवाले से है कि, लेकिन उसमें उसने सॉन्ग ऐड कर दिया जो कि तब्दीली के हवाले से। मैं सॉन्ग को स्टार्ट में ज़रा सा प्ले करके उसके बाद म्यूट कर दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर असल चीज़ तो मुझे आपको वीडियो दिखाना है और ख़ुद भी देखनी है, क्योंकि मैंने बाकायदा पूरी नहीं देखी, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए पहले मैं वीडियो प्ले कर लेता हूँ और फिर बाकी की बात हम बाद में करते हैं। Oh my God! Oh, गाना मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा ऐसा गाना, और मतलब तो को तौबा तौबा। ओह, लोगों के पास राशन पानी नहीं है खाने पीने का, और नई गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है कि जो गरीब लोगों के सब्जी के ठेले वगैरह, जो मतलब दुकानें शुकाने कॉर्नर पर जो नुक्कड़ पर लगी होती हैं, उन सबको तोड़ रही है बड़ी बेदर्दी के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि जो है ना टाइम दिया गया, ना कुछ कहा गया, बेचारे मजलूम शख्स की जो सब्जी की दुकान थी वो तोड़ दी गई है, और किस बुरी तरह से तोड़ी जा रही है सब्जी, जो राशन पानी जो रिस्क होता है वो कितनी मतलब बेदर्दी के साथ बुरी तरह से ज़ाया किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। जो सब्जियां लगती हैं कितनी मेहनत और लगन के साथ किसान काम करता है सालों तक खेतों में, फिर जा कर लगती हैं, फिर मंडी में जाती हैं, फिर वहाँ से बंदे खरीदते हैं, फिर लाते हैं, और क्या क्या सब होता है, बहुत लंबे प्रोसेस से होकर जाती हैं। और देखें कितनी बेदर्दी के साथ मजलूम लोगों का रोजगार को आप एक तरह से कहने बेरोजगार बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक और घटिया और नीच किस्म की काम है, जो कि आजकल नई हुकूमत में हो रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा। और वीडियो का क्लिप जो था बहुत ही कमाल का और आला था और बिल्कुल रियलिस्टिक था, जैसा कि आपको इसमें पुलिस की झलक भी दिखाई गई होगी, और वाकई में पुलिस फौज वगैरह सब मिलके साथ उनके साथ ये काम किया जा रहा है, जो कि अभी तो मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह और बाकी पार्ट वगैरह में। और जो लोग मुझे बहुत देते हैं इस तरह के, जो मुझसे तो बाकायदा देखे नहीं जाते कि नई हुकूमत और नई गवर्नमेंट ये कर क्या रही है लोगों के साथ, ये वही गवर्नमेंट है जिसने कहा था कि मदीने की रियासत बनाएंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, घर देंगे नए, और एक तरह से आप कह लें ये सिनेमा घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी नुक्कड़ में हर जगह सिनेमा घर होंगे ऐलान हो चुका है, और काफ़ी कुछ मतलब दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और लोगों को मतलब बेरोज़गार किया जा रहा है, और जिन्होंने इनको वोट दिए थे वो लोग तक रो रहे हैं कि नए हुकूमत नए पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, शर्मनाक और घटिया और नीच किस्म की हरकतें हो रही हैं। जैसा कि आपने देखा कितनी मतलब सब्जियों को बेदर्दी से बेच किया गया, किसी मजलूम शख्स की ज़रा भी सोचा नहीं गया, इसको थोड़ा टाइम देते, चलो भाई अगर तोड़फोड़ करने आ गए थे तो आधा एक घंटा देते कि आप जल्दी से इसको समेट लें और फिर हम
तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। जहाँ भी तोड़फोड़ हो रही है अभी भी काफ़ी हद तक अब रुक गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो तोड़फोड़ हुई है वो इसी तरह से बेदर्दी से की गई है। लोगों की इतनी इतनी सालों पुरानी दुकानें थी, जो लोग बता रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को या फिर KMC वालों को उसकी पर्ची वगैरह हिसाब किताब के हिसाब से कुछ पैसे देते थे, वो सब भी लोगों की तोड़ दी गई हैं। यानी कि एक तरह से आप कह रहे हैं लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोग फाके पर आ रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और पत्नी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये सारा कुछ नई पाकिस्तान, नई गवर्नमेंट और तब्दीली के अंदर हो रहा है, जो कि आवाम रो रही है, तड़प रही है, खासकर कराची के अंदर और बाकी दीगर शहरों के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है, जो कि एक तरह से आप कह लें जिन्होंने वोट दिया था वो तक रो रहे हैं। तो बस मैं इस हवाले से क्या बात करूँ, मेरा मतलब नफरत फैलाना या हरगिज़ कोई हेट फैलाना किसी के मतलब मुताबिक नहीं है, किसी पे एक पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं सिर्फ हकीकत से आगाह करने का मेरा मेन मकसद है, जो कि एक तरह से मैंने ये वीडियो देखी तो मुझसे मतलब जब मुझे पास पड़ी हुई थी, मुझे पता था मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी, लेकिन मैंने प्ले कर नहीं देखी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और मुझे लोग सेंड करते हैं कि आप इस पर बनाएं कुछ, इस पर बात करें, तो बस मुझसे देखी तक नहीं जाती कि क्या क्या कुछ हो रहा है। बहुत शर्मनाक किस्म की वीडियोस होती हैं, औरतें रो रही होती हैं और लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो रहा है, जो कि एक तरह से मीडिया पर दिखाने की आज़ादी इतनी नहीं है। और काफ़ी हद तक चैनल बिके हुए हैं, बिकाऊ चैनल हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है काफ़ी हद तक इस हवाले से एक तरह से मैं कहूँगा कि अगर हम इन टॉपिक को उजागर करें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस किस तरह की गवर्नमेंट और वो क्या क्या करवा रही है, लोगों के साथ क्या क्या कर रही है, तो कुछ किया जा सकता है ताकि लोगों को इंसाफ फराहम किया जा सके कि क्या क्या हो रहा है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, शायद क्या पता कुछ हो मतलब, और लोगों को पता चले, कम से कम अवेयरनेस तो हो। और क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो देखी जाती हैं वो दूसरे दूसरे ममालिक में देखी जाती हैं, इंडिया में देखी जाती हैं, बांग्लादेश में देखी जाती हैं, सऊदी अरब में देखी जाती हैं, दुबई में और काफ़ी जगह पर मलेशिया में, इस तरह की, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आई है, जिसके काफ़ी चर्चे और काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया हुआ था लोगों ने कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि बताया गया था, और सब कुछ बहुत उलट हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि एक चीज की कीमत डबल डबल दुगनी कीमत पर चले गई, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ज्यादा हो गए कि क्या ही कहना है, कि बस तौबा तौबा बस तौबा, अल्लाह बचाए इस हुकूमत से। तो और बस यही चाहते हैं कि हम जो है जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया, कि ताकि बस पता चल सके कि लोगों के हो क्या रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हुकूमत कोई होती है तो वो यही चाहती है कि हमारी जो नेगेटिव वगैरह चीज़ें ना दिखाई जाएं और लोगों को पता ना चल सके और बात को दबाई जाए, तो लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे, सच को तो सामने आना ही चाहिए, जो कि सच था और मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया और इस हवाले से अपना रिएक्शन भी दिया और बात की। इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी, इस वीडियो की सीरीज चलती रहेगी, Part 4, Part 5 वगैरह, और आप देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। तो बस मैं यही कहूँगा, ये थी हमारी अभी ये वीडियो जो कि आप लोगों ने मेरे साथ देखी, उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दी आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।